हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कल हमने आपको बताया था कि हम डेसिमल नंबर्स को 10 से 100 से और 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे इसके, डिवाइडेड बाय 10, 100 एंड 1000। दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोशेंट। क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एंड द ए पार्ट इज 25.75 डिवाइडेड बाय 10। हियर दिस इज द डेसिमल नंबर एंड दिस द होल नंबर, दैट इज 10 से हमको इस डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना है। अब इसमें हमने आपको बताया था बच्चों कल, उसमें ये रूल्स बताए थे कि जब डिवाइड बाय 10 करते हैं तो क्या होता है, 100 से करते हैं तो क्या होता है, 1000 से करते हैं तो क्या होता है, किसी भी डेसिमल नंबर। अब 10 से इस डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना है हमें, तो 10 डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारा 1 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2.575। मीन जब भी हमको 10 से डिवाइड करना होता है तो हमारा 1 पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लेस टू द लेफ्ट। नाउ हियर दिस इज द डिवाइडेड बाय 1000, हियर नो डेसिमल, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिया है बच्चों, ओनली द होल नंबर। दिस इज 5047 डिवाइडेड बाय द होल नंबर, दैट इज 1000। इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये नंबर है विदाउट डेसिमल नंबर है तो नीचे हमें 1000 से डिवाइड करना है, मतलब कितने जीरो हैं काउंट करो, यहाँ पे 3 जीरोस है तो ये 3 डिजिट से पैक है, हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल, तो हमारा ये हो जाएगा 5.047। मीन्स ये 3 प्लेस कहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा लेफ्ट में, यहां से हमने देखा तो 3 प्लेस शिफ्ट हो गया डेसिमल पॉइंट, 3 प्लेस टू द लेफ्ट हमारा ये शिफ्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, यही हमने कल आपको इसके रूल्स अच्छे से समझाए थे, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, जब हम ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं तो आपको रिवाइज्ड अप हो गया होगा क्योंकि हमने कल भी यही आपको बताए थे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा शिफ्ट होके 2 प्लेस टू द लेफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट में होगा तो ये क्या आ जाएगा 0.8075। समझ गए ना। द नेक्स्ट इज इवन, 215.4 ये डेसिमल नंबर गिवन है, इसको किससे डिवाइड करना है हमें 1000 से। अब हमारा क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट 1000 से करना है, ये डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस टू द लेफ्ट। अब 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होएगा तो ये यहाँ होगी, यहाँ आ जाएगा, 2 से पहले 0.2154, दिस इज योर आंसर। तो अब समझ में आया, 10 से करते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर 100 से करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं तो 3 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे जितने भी जीरो होते हैं उतनी प्लेस वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ यू सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बताया बच्चों कि डेसिमल पॉइंट आपको जो डेसिमल नंबर की बना है उसको आपको होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कैसे, सपोज 2.74, इसको हम पहले इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड है तो अपॉन में लिखा, अपॉन 20, क्लियर। अब हमें इसे डिवाइड करना है, इसके दो मेथड मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि हम दोनों मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके के इस टाइप्स के नंबर आते हैं जैसे जीरो उनके साथ आता है, तो फर्स्ट हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे बच्चों, डिविडेंड हमारा है 2.74 और डिवाइजर है 20। अब हमें इसको 20 से डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये होल नंबर है, 2 में नहीं जाएगा तो 0,
मींस की 0, उसके बाद हमारा ये क्या लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट, क्लियर। ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है तो हमें यहाँ क्वेश्चन पे भी पॉइंट यहाँ लगा। अब हम बिना डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हुए डिवाइड करेंगे, तो 20 ones are 20, देन 7 4, जैसे हम डिवाइड करते हैं, देन 20 की टेबल में 74 नहीं आता तो उसके आसपास का देखेंगे, देन 3 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 times 60, नाउ यू सब्ट्रैक्ट 7 minus 6, दैट इज 1। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया है कि जैसे हमारा ये नीचे इसके 14 आया, बच्चों 14 शायद दिखने गया है हमारे ब्लैक बोर्ड पे, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रिमाइंडर 14 आया, जो यहाँ नीचे रिमाइंडर बचा हुआ है इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये जो हमारा रिमाइंडर आया 14, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ नीचे नहीं लिख रहा है, तो ये 14 हो गया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो हम अपने राइट में यहाँ 0 इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, तो हमने यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा 140 बन गया। अब 27 टाइम्स जाएगा 7 140, तो ये 0 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.137। जब हमने इसको डिवाइड किया बच्चों तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 0.137। यहाँ पे स्पेस यहाँ दिख नहीं रहा है बच्चों, इसलिए मैंने इसको यहाँ कंटिन्यू कर दिया, आप अपनी कॉपी में इसी के नीचे स्टेप। नाउ द नेक्स्ट, इसी का मैंने कहा था आपको कि सेकेंड मैथड में आपको बताऊँ, ये तो फर्स्ट मैथड हो गया कि हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका सेकेंड मैथड ये बच्चों, जैसे यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 multiplied by 10, ठीक है। अभी हमने इसका आंसर देखा था, तो पहले जो हमारा इसका आंसर आया था वो आया था 0.137, ठीक है ना, यही आंसर आया था। तो अब हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तो 2.2 into 10 लिख दिया हमने, 20 को क्या लिखा 2 into 10, मीन्स 0 जो पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर दिया। अगर सपोज यहाँ पे एक और 0 होता तो हम क्या लिख देते 2 into 100, एक और 0 होता तो हम क्या लिखते 2 into 1000। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 20 था इसलिए 2 into 10। अब हमने 10 वाले पार्ट को भी छोड़ दिया, इससे डिवाइड नहीं किया। अभी हमने 2.74 को किससे डिवाइड किया 2 से, तो 2.74 और यहाँ हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 ones are 2 0, फिर ये पॉइंट है इसके क्वेश्चन पे यहाँ लगा देंगे, देन 7 2 3 are 6, देन 1 4, देन 2 7 are 14, तो हमारा क्या आया बच्चों डिवाइड करने पे, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 4 upon 2 into 1 upon 10, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 1.37 into 1 upon 10। अब आप देखेंगे वही प्रोसेस है कि जब डेसिमल नंबर को डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हम क्या करते थे, वन पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो हमारा है वन कहाँ शिफ्ट हो जाता था लेफ्ट में, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट प्लेस पे, तो ये क्या बन जाएगा 0.137। और हमने इससे पहले जो मेथड बताया था उसमें डिवाइड किया था तो उसका क्वेश्चन क्या आ रहा था हमारा 0.137, दोनों का क्वेश्चन सेम है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें वही हमारा आंसर आएगा। तो अब मैंने आपको इसमें दो मेथड बताए इसको सॉल्व करने के, डिवाइड करने के, आपको जो टेस्ट लगता है, जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका रॉन्ग नहीं हो और आपको लगता है कि हाँ मैं ये मुझे इजी लग रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो मैंने इसमें दो मेथड बताया बच्चों आपको, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते। नाउ द नेक्स्ट, 100 divided 42.8
डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड करना है तो सेम अभी हमने बताया था कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें 100 से डिवाइड करना आता है तो हम क्या करते हैं, टू प्लेस शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें टू प्लेस लेफ्ट की तरफ हो, डेसिमल पॉइंट टू प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट टू द टू प्लेस टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये। लेकिन अगर हमें लॉन्ग मेथड से करना है तो हम इसको कैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइसर हो गया। अब हमने इसको डिवाइड किया, 100 वन सा 100, 100 टू सा 200, 100 फोर सा 400, सॉरी यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ मैंने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया हुआ है, जो 42.8 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब 100 है, 100 42 पॉइंट से पहले देखेंगे नहीं जाएगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 100 जीरो सा हो गया, ये पहले जीरो है, वैसे इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये 8 है। अब 100 वन सा 100, 100 टू सा 200, 100 थ्री सा 300, 100 फोर सा 400, ये हमारा आ गया 400। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 8 और 2। अब हमारे पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया तब तक लिखना है, इसलिए हमने यहाँ जीरो लगा दिया और यहाँ जीरो। फिर 100 टू सा 200, देन इसके बाद में हमारा वापस से हमने यहाँ एक जीरो लिखा और यहाँ, तो 100 एट सा 800। तो हमने इसको डिवाइड किया बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज 0.428, है ना, क्वेश्चन ये आया। और अगर हम डायरेक्ट करके देख रहे थे कि जब डिवाइडेड बाय 100 है, कल हमने बताया था, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, टू लेफ्ट, है ना, दिस डेसिमल पॉइंट इन द दिस डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टू द टू प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो इसका आंसर क्या बन जाता, 0.428। और यही हमारा क्वेश्चन है, तो हम कैसे भी करें मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन दोनों का सेम है। नाउ द नाउ सी डिविडेंड इज 27.3, डिवाइजर इज 2000। अब हमने इसे डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने देखा ये हमारा 27 होल नंबर, इसमें 27 है, इससे नहीं जाएगा, हमारा जीरो। फिर ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन का, हमने पॉइंट लगा दिया, फिर भी इसमें नहीं हमारा डिवाइड हो पाएगा, तो हमने यहाँ एक और जीरो लगाया। फिर हमने यहाँ पे देखा 2001 टाइम्स, अब हमने 2000 लिखा, उसके बाद हमारा है 037, 2-2 0। अब हमने इसके बाद हम कितने भी जीरो से ऐड कर सकते हैं जब तक कि रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता। अब हमने इसमें 2003 टाइम्स लिखा, तो 1, 2, 3, 6 होता है। अब हमारा इसमें किस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, 0, 0, 3 फिर 1, जैसे डिवाइड सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर हमने यहाँ पे 6 टाइम्स लिखा, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज ये 0 यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 0 0 6 0 0 6 0 0 and 6 0 0 then we subtract then 0 0 0 1, फिर हमने एक और 0 यहाँ ऐड करा तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, हम ऐड कर सकते हैं राइट साइड में 0 से, तो हमारा ये 0 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या आया बच्चों, क्वेश्चन हमारा इसमें 0.01365। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 0.01365। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। अब आपको क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इन सम्स की।